प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद की अध्यक्षता में एनएक्सी भवन के सभागार में महिलाओं के सशक्तिकरण तथा देश की अर्थव्यवस्था में योगदान पर प्रादेशिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके संबंध में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बताया कि आधी आबादी महिलाओं की है, कभी इनकी दुर्गा व देवी के रूप में पूजा होती थी, विदेशी ताकतों आई हमारे देश पर राज किया, इस समय देश में महिला की आधी आबादी है, सरकार महिलाओं को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा सरकार द्वारा ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं, सरकार ने सदन में 33% का आरक्षण दे दिया है, जिससे पूरे देश में महिलाओं की अब विधानसभा व संसद में 33% भागीदारी होगी। मत्स्य विभाग की तरफ से 60% सब्सिडी देकर आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि वह चुनाव लड़कर प्रधान बने व BDC व जिला पंचायत सदस्य बने व किसी के अधीन ना रहें। इस अवसर पर गुंजा निषाद सहित महिलाएं मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, आधी आबादी महिलाओं की है, माँ बहन बेटी बहू के रूप में है, कभी दुर्गा देवी लक्ष्मी के रूप में इनकी पूजा होती थी, लेकिन विदेशी ताकतें आई और हमारे देश में आक्रमण किया और बहुत लड़ाइयाँ हुआ, 750 मुगलों से 350 अंग्रेजों ने, इन लोगों ने ढेर सारी इन महिलाओं के साथ कितना इन निचले पावधान पर पहुँचा दिया और एक मान्यता थी कि महिला कुछ नहीं कर सकती थी। आज महिला आधी आबादी है, हमारी सरकार उन्हें जो है सशक्तिकरण के माध्यम से ढेर सारी योजनाएं चला रही है, हमारे 33% का आरक्षण है। आज के दिन में हमारे विभाग के द्वारा मत्स्य विभाग में इनके सशक्तिकरण के लिए 60% सब्सिडी देकर इन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट के लिए लाया जा रहा है, इनको बताया जा रहा है कि जरूरत गांव के गरीब महिलाएं भी, गांव के गरीब गांव के लोग भी राजनीति में आएं, अपने वोट से प्रधान बने, महिलाओं को बनाएं, BDC बने, जिला पंचायत बने, किसी के अधीन नहीं है, क्योंकि पर अधीन सुख सपने नहीं, अधीनता अगर आप हैं तो पार्टी के अधीन रहिए, अब पाँव में मत रहिए, पावर में आइए, महिलाएं भी पावर में आ रहे हैं और पापी के रूप में मत अपने को मानिए, पावर वाली मानिए, जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने पावर लिया, मानिए हमारी बहन जी ने लिया, वसुंधरा राजे सिंधिया ने लिया, ढेर सारी महिलाएं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मंत्री बनी हैं, विधायक बनी हैं, तो अब 2027 में चुनाव होना है, हर जिले में 1-2-3 महिलाएं विधायक बनेंगी, तो आज ही से जब आप काम की रहेंगी सेवा का, समाज की सेवा करेंगी और आज उस लायक रहेंगी तो आप विधायक बनेंगी, आप उस लायक रहेंगे जिला पंचायत बनेंगे, उस लायक रहेंगे तो लायक बनना होगा राजनीति करने लायक, तो राजनीति की शिकार रहेंगे तो पाँव में रहेंगे, राजनीति के हिस्सेदार हो जाएंगे तो पावर में रहेंगे, इसलिए प्रदेश की महिलाओं को बुलाना था। मछुआ कल्याण कोष के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए हमने माता सुकेता के नाम से हमने योजना बनाई है, उनको देना है और इनके स्किल डेवलपमेंट 300 लोग जाएंगे बाहर पढ़ने के लिए दूसरे जिलों प्रदेशों में, उसमें 100 महिलाएं भी भेज रहे हैं, तो इन महिलाओं में जो महिलाएं आगे आना चाहती हैं उनको भेजा जाएगा, इनके बच्चों की शिक्षा के लिए, इनके सुरक्षा के लिए, इनके वृद्धा पेंशन के सहयोग के लिए, इनके शादी के लिए लड़कियों को, इनके दैविक आपदा के लिए, इनके घर नहीं है घर देने के लिए, इनके लिए स्किल मैरिज हाल के लिए तमाम मछुआ कल्याण कोष से नीति बनाई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, निषाद राज बोर्ड योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, इसमें महिलाओं को 60% सब्सिडी है, अलग से है उन्हें हम किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी नहीं होता था, ऋण नहीं मिलता था, तो हमारे विभाग ने भी हो गया कि मत्स्य क्षेत्र में आइए और आवेदन करिए, बिना गारंटी के 1,60,000 रुपया उन्हें हम ऋण दे रहे हैं, 3% मोदी ब्याज दे रहे हैं, 4% हम देने जा रहे हैं, 0% ऋण पर हम महिलाओं को ब्याज देकर उन्हें सशक्त कर रहे हैं, 40% वो लगाएं, 60 हम देते हैं, उससे आगे बढ़ें, पैसा कमाएं और पहले जैसे देवी दुर्गा और देवी लक्ष्मी की पूजा होती थी तो वोट के रूप में महिला को निश्चित रूप से हम लोग महिला 15 सीटों में एक महिला है और देखो मेरा एक विधायक है, आगे भी जो मिलेगा उसमें आएगी। मेरा यही था कि महिलाओं की भागीदारी हो राजनीति में, हमारे यहाँ गांव की ज़रूरतमंद महिलाएं आएं, हमारी योजनाओं के माध्यम से सशक्त हो, अर्थव्यवस्था में भी उनकी हिस्सेदारी बने और इसलिए इनको जानकार होशियार समझदार बनाने के लिए आज 2 दिवसीय इनका कार्यशाला था, संगोष्ठी थी।